हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरवाजे पर छापेमारी को खड़ी थी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। अंदर तहसीलदार ने चूल्हे पर जला दिए 20 लाख रुपए। सिरोही जिले में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुधवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो पिंडवाड़ा के तहसीलदार के कल्पेश जैन के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची, तो वहां पर अंदर 20 लाख रुपए की रकम को चूल्हे में जलाने लगे। यही नहीं, नोटों को आग के हवाले करने का ये नजारा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने देखा और इसका वीडियो भी बना लिया गया। घटना का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें तहसीलदार की पत्नी भी नोटों को जलाने में सहयोग करती दिखाई दे रही है। वहीं घर के बाहर से झांक रहा एक शख्स कहता है कि मैडम, आप भी इस तरह से साथ दे रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने पिंडवाड़ा के राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पर्वत सिंह द्वारा रिश्वत की राशि पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के लिए लेने की बात स्वीकार करने पर, जब ब्यूरो की टीम तहसीलदार के निवास पर उसे गिरफ्तार करने पहुंची, तो उसने अपने घर के दरवाजे बंद करके भीतर करीब 15 से 20 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जला भी दी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीलदार ने 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को गैस चूल्हे में जलाने की कोशिश की। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि आरोपी तहसीलदार कल्पेश जैन ने परिवादी से पिंडवाड़ा में प्राकृतिक पैदावार आंवला छाल का ठेका दिलवाने की अवज में राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह के मार्फत 1 लाख रुपए की राशि की मांग की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी पर्वत सिंह को परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन की संलिप्तता पाए जाने पर, जब ब्यूरो का दल उसे गिरफ्तार करने पहुंचा, तो उसने अपने घर का दरवाजा बंद करके भीतर रखी करीब 15 से 20 लाख रुपए की राशि को गैस के चूल्हे पर जलाने का प्रयास किया। पुलिस की मदद से अंदर घुस पाई एसीबी की टीम। उन्होंने बताया कि दल ने स्थानीय पुलिस की मदद से घर में प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि तहसीलदार के निवास पर तलाशी में 1,50,000 रुपए बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से खास रिपोर्ट।